क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की वादियों का रुख करने लगे हैं। पर्यटन स्थलों पर लगातार सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ चटक धूप होने से सैलानियों का मजा दोगुना हो गया है। बहुत अच्छा था और ट्रैक भी बहुत अच्छा था, काफ़ी लंबा था, 12,500 फुट पे हम गए और पीक पे जाने के बाद जो आनंद हुआ, जो आनंदित हुए सब लोग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अब तक का। न्यू ईयर और क्रिसमस को अभी कुछ दिन का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही बड़ी संख्या में सैलानी प्रकृति का आनंद लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी जिले के गोविंद वन्य जीव विहार के अंतर्गत आने वाला केदारकांठा सैलानियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। क्या आप दोबारा आना चाहेंगे इस ट्रैक में? बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, जो टेम्परेचर वगैरह था वो काफी डिफरेंट है जहाँ से हम रहते हैं, तो नया एक्सपीरियंस था। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं कि तुम कर सकते हो वो चीज करने के लिए। ट्रैकिंग का शौक रखने वाले हजारों ट्रैकर रोजाना सांकरी और सौट गांव पहुंच रहे हैं, जो 14 किलोमीटर केदारकांठा और 21 किलोमीटर हरकीदून के साथ साथ चाइनसिल बुग्याल में पर्यटन व्यवसाय में चार चांद लगा रहे हैं। देश विदेशों के सैलानी आते हैं लाखों की संख्या में और इस समय पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो टूरिज्म का हब है वो हब साकरी बन चुका है और केदारकांठा जो विंटर ट्रैक के इस समय पे हमारे पास 95,000 लोगों की बुकिंग एडवांस आ रखी है दिसंबर के लिए। बारह हजार 500 की फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारकांठा ट्रैक बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है, जहां की खूबसूरती और आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं उन्हें सुखद एहसास करवाती हैं। इसके अलावा ट्रैक के सबसे ऊंचे सिरे पर पहुंचकर उगते हुए सूरज की तस्वीर यहां की फिजाओं में चार चांद लगा रही है।